ये दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। सुनने में आया कि लाहौर की जो पुलिस है उसने अपने ही एक पुलिस वाले को पकड़ा है जो कि एंटी नारकोटिक्स विंग हेड करता था लाहौर पुलिस में, और वो इन्वॉल्व किस में था, क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग ड्रोन्स के तो जरिए। आप सोचिए कि ये कितनी मुख्तलिफ डायरी होगी, हैरानी की बात नहीं है। अच्छा अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से क्या कुछ निकला, लेकिन मेरे लिए जो इसमें सबसे हैरान कुन राज था, ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? ये किसी पे इल्जाम लगाए कि इसने ये इशारा किया, उसने वो इशारा किया, ये कैसा माहौल है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा जब सुना, मुझे किसी बंदे ने बताया तो मुझे यकीन ना आया, ट्रस्ट नहीं, मैं कहूँ पता नहीं नहीं यार, और मैं आज तक यकीन नहीं करता था। ये अभी जो चीज़ आई है कि ये जी एक पुलिस वाला, पहली बात है, दुख की बात है, द पर्सन हुज जॉब इज टू एनफोर्स लॉ। मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। अच्छा, लेकिन नहीं भाई, इनसे तो उम्मीद रखना मेरे ख्याल से बेवकूफी आज के बाद। अगे तोड़ियों के थे बड़े चंडे लग गए ने अब, एंड देन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद इंडिया एज वेल। सुनने में आया है कि एक हाई पावर्ड कमेटी लाहौर पुलिस ने बनाई है जिसमें इलीगल जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है उसको देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कश्मीर के जो आवाम है उनकी हमेशा यही चाह रही है कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। इसीलिए पाकिस्तान ने जब से ये भारत से अलग हुआ है 1947 में, जब से ही चार जंगें भी लड़ी कश्मीर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जब उससे कुछ नहीं उड़ा तो उसने कश्मीर के अंदर अपने आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए और कश्मीर की आवाम को धर्म के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी हालत, अब इससे हुआ क्या है, इससे जो पाकिस्तान है उसे कश्मीर तो ना तो मिला और ना ही मिलेगा, लेकिन जो पाकिस्तान है वो भिखारी जरूर बन गया है। आज हालात ये है कि वो किसी भी देश से अगर कर्जा मांगने जाता है तो इसको सिर्फ खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। और अब तो यहाँ तक की नौबत आ गई है जो पाकिस्तान के अपने अंदर के एसेट्स हैं उनको गिरवी रख करके, जैसे कि एयरपोर्ट हुआ, पार्क हुए, उनके जहाज हुए, उन सबको गिरवी रख करके उसको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब पाकिस्तान की एक, उसने अपने आप पर ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर ध्यान दिया और भारत के अंदर हमेशा आतंकवाद का जो है आतंकवाद को बढ़ावा दिया। और आज यही वजह है जिसकी वजह से वो आज भिखारी यानी कि भीख मांगने के कगार पर है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्राइसिस हो रहा है। अब इतनी ज़्यादा हालत खस्ता हो गई है कि अपने इंस्ट्रूमेंट भी उसे मतलब जो है गिरवी रखने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आइए साथ मिलकर देखते हैं इस लेटेस्ट वीडियो को। सुनने में आया कि लाहौर की जो पुलिस है उसने अपने ही एक पुलिस वाले को पकड़ा है जो कि एंटी नारकोटिक्स विंग हेड करता था लाहौर पुलिस में, और वो इन्वॉल्व किस में था, क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग ड्रोन्स के जरिए। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा जब सुना, मुझे किसी बंदे ने बताया तो मुझे यकीन ना आया, ट्रस्ट नहीं, मैं कहूँ पता नहीं नहीं यार, और मैं आज तक यकीन नहीं करता था। ये अभी जो चीज़ आई है कि ये जी एक पुलिस वाला, पहली बात है, दुख की बात है, द पर्सन हुज जॉब इज़ टू एनफोर्स लॉ इज़ ब्रेकिंग द लॉ। The person whose job is to go against narcotics is promoting narcotics. वो दो चीज़ें हो गई, आपने आपने आईन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, मुल्क की बदनामी। ठीक है यार, पहले तुसी घट बदनामियाँ कमांड है, ये अगे पुलिस वाले घट भैड़े ने पाकिस्तान, मतलब अगे तुहाड़ियां कितें बड़े झंडे लगे ने अब, एंड देन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद इंडिया एज वेल। सुनने में आया कि एक हाई पावर्ड कमेटी लाहौर पुलिस ने बनाई है जिसमें इलीगल जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है उसको देखने के लिए। ये एक सुनने में आ रहा है कि डीएसपी साहब थे जिनका काम तो एंटी नारकोटिक्स था, ठीक है जी, लेकिन वही चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शुरू हो चुकी है, और सारी बात है इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद फिर केस ये सारा चलेगा। अब हुआ ये है, पता ये चला है कि ये जो इशू है ये साल जुलाई में पता चला जब एक ड्रोन जो है वो 6 किलोग्राम ड्रग्स, मिलियंस रुपीस की सारी बात होगी, आई एम नॉट इन टू द ड्रग्स, मैं ड्रग का कारोबार नहीं करता, मुझे नहीं पता ड्रग की क्या वैल्यू है, किस ड्रग की क्या वैल्यू होगी। वो लाहौर के जो प्रोविंशियल कैप, हमारा आपको पता है लाहौर इज़ अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब, तो वहाँ पे वो थूड है, ठीक है जी, और इसमें सुनने क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें नोटिस ले लिया। अब सुनने में आया है कि इसमें कोई कसूर जो कि दैट इज एडजेसेंट टू इंडिया एज वेल, कि पता नहीं कौन सा बॉर्डर इसको लगता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, वहाँ से भी कोई ड्रग्स भेजी जा रही थी ड्रोन्स के लिए, कोई ड्रग ट्रैफिकर से, वो अनमैन एरियल व्हीकल्स, हदों की मुल्क खानों इतने डॉलर उत्ते चढ़े ने, ये ड्रोन चला रहे हैं, इन ड्रोनों के जरिए यार दहशतगर्द मारो, कोई
को टीडीपी वाले पकड़ो, को क्रिमिनल्स पकड़ो। लाहौर में इतनी ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, गलियों में जो है वो लोगों मजदूर तबके से लोग चोर दिहाड़ी जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं उनसे जो है वो चोर चोर जो है डाके मार रहे हैं, लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाते हैं। ये ड्रोन उत्थे चलाओ तुम ड्रोन अगले दूजे मुल्क के जो ड्रग अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 6 किलोग्राम की ड्रग जो है वो उन्होंने भेज दी है। अब देखें ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने ना एक पता नहीं कौन सा चैनल था, मैंने वहाँ पे देखा कि जनाब अमेज़न जो है ना वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा, और ये कोविड के दिनों की बात थी तो जारी बात है घर में होते थे ज़्यादा तो सारा टाइम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं यूट्यूब क्या, और तो एक मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखता था बहुत ज़्यादा। तो एक पता नहीं किसकी डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें अमेज़न के बारे में सारा बयान था, किसने ऑपरेशन कैसे शुरू किए ऑल दैट, सप्लाई चेन के इशू थे। ये हमारे पुलिस साहब वाले जो हैं ये इंडिया की ड्रग सप्लाई चेन को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, मतलब शर्म की बात है। एनी हाउ अब ये जी उन्होंने कहा जी कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो भी अलर्ट में। अच्छा हमारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसका काम अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ज़्यादातर लोग कहते हैं वही चोरी से इन्वॉल्व है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स दिल करे वही नारकोटिक्स से इन्वॉल्व हों, ये जो पुलिस साहब वाले हैं ये एंटी नारकोटिक्स में थे दिल करे ए इन्वॉल्व हों, ठीक है जी। सो मतलब द पॉइंट इज़ के हम अल्लाह के हुक्म ने साढ़े को जरा कोई गलबात नहीं, सब पुठियाँ तो भैड़ियाँ खबर जड़ियाँ ने ना है आ, अब सुनने में आ रहा है कि ये जो ये पता नहीं कितने को स्मगलर इसके पीछे होंगे, कितना बड़ा रैकेट होगा, किसने इनको ड्रोन दिया होगा, बीच में किस किस को ये पैसा जाता होगा, कौन सप्लायर होगा, आगे इंडिया में कौन लोग हैं ये जो इस ड्रग्स को ले रहे हैं, इसका मतलब है क्या इंडिया में ड्रग्स नहीं पहुँचती। जो रिसेंटली हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे अफगानिस्तान से जब कुछ जहाज़ पहुँचे तो वो हमने देखा था कि या ईरान से पता नहीं तो वो जा रहे थे गुजरात में कहीं या पता नहीं किधर कहीं पोर्ट में या मुंबई में जा रहे थे तो इंडिया ने बंद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं आप ड्रग्स लेके आएंगे हमारा कल्चर ख़राब होगा ये वो के पीछे। हाँ हमने तो अपना मुल्क वैसे ही तबाह कर लिया थैंक्स टू जहाद इन अफगानिस्तान कि हम जहाद भी करते थे और ड्रग्स भी खाते थे। आज भी मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा कि आज भी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और शर्म की बात है अफगान तालिबान भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में तो आता है कि जो बाहर की ताकतें अफगानिस्तान में आई थी वो भी ड्रग्स बेचती थी, सारे ड्रग्स ही बेचते हैं, या बेचती नहीं थी तो एटलीस्ट फैसिलिटेट करते थे और उससे बहुत सारे खर्चे भी चलाते थे या पता नहीं क्या क्या करते थे बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट बट आई लिसन्ड मच ऑन दैट। ये जो है अब सुनने में आ रहा है कि इनसे कोई 35 किलोग्राम की जो है वो हीरोइन भी बरामद हुई है। यार क्या शर्म की बात है, अब पुलिस वाला जो है वो छोटे छोटे जाके बंदों को पकड़ता होगा तेरे को कितनी चर्स है कितना हीरोइन है तुम्हारे पास क्या है क्या है क्या है, वो कहेगा जी मेरे को लैब उनसे पकड़ के पास रख लेता होगा। कुछ ये क्या करते होंगे कि कुछ बचा के हुकूमत को जमा करा देते होंगे और कहते हैं कि यार बंदे पड़ेंगे, और वो बंदे जो है वो जारी बात है इसलिए पकड़ेंगे वो उनके साथ आमद नहीं करते होंगे, इनको महीने की मंथलियाँ नहीं जाती होंगी पुलिस वालों को। क्या शर्म की बात है यार, क्या शर्म की बात है। और ड्रग्स तो पाकिस्तान में इतनी कॉमन है स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान के जो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, जहाँ पे द किड्स ऑफ द रिच पीपल गो वहाँ पे बड़ी ड्रग्स चलती है, वो इसलिए चलती है उन्होंने पता पाए नहीं थे बच्चे आ रहे हैं अमीर माँ पे होते बच्चे ने इन्होंने कोल पैसा देकर ना 4-5-10 हज़ार रुपये। अब वो पुराने ज़माने में थोड़ा ही होता है कि नशे से क्या निकालना है, वो चोरियाँ करते फिरते हैं, वो ढक्कन उतारते फिरते हैं गटरों के और पता नहीं कहीं से सोना। हमारे मुझे याद है कि मेरे गांव में जहाँ पे हमारे वालदैन की बुजुर्गों की बहुत जदाद की कब्रें हैं तो वो हम साथ ना नलका एक नाला लगवा देते हैं पानी के लिए, तो वो मेरा भाई हमेशा लगवाता था तो अभी फिलहाल लगा होगा, तो वो उसकी कोई जो हथी हम उसे कहते हैं पता नहीं आपको जो वाटर पंप होता है वो ला के लाया जाता से ठीक है जनाब, तो वो फिर उसने जाना फिर उसने जार दो की डलवानी फिर महीना दो निकालनी फिर वो किसी आना उसने जो होता है नशाई उसने उतार के ले जानी, तो इस तरह करके तो ये जो ड्रग्स के लोग हैं इस तरह तो पैसे नहीं बताते। अब जब इंडिया पहुंचती होंगी तो सारी बात है मोटा कैश आता होगा, वो भी आगे से इंडिया वाले भी जो हैं वो भी ड्रोनों के जरिए पैसे भेजते होंगे, जिधर जाकर ड्रोन उतरता होगा उसमें पैसे आ जाते होंगे, पता नहीं इंडियन रुपया आता है डॉलर आता था यूरो आता था क्या आता था वहाँ से या इन रिटर्न वहाँ से क्या आता, क्या डील्स थी इनकी। लेकिन पुलिस वाला इन्वॉल्व है इस चीज़ में मेरी तो समझ से बाहर है, आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। ये एक स्टोरी है, इसके पीछे पता नहीं कितनी कुछ स्टोरियाँ होंगी। और ये इंडियन पंजाब में जाता था सुनने में आया, और सुनने में आ रहा है कि जो स्मगलर हैं दोनों तरफ इंडिया में भी और पाकिस्तान में वो ऐसे कम्युनिकेशन के रास्ते, आप देखें मतलब इंडिया पाकिस्तान की वैसे बात हो नहीं रही कोई गलबात होंदी नहीं, तो जो कम्युनिकेशन हो रही है तो ड्रोन्स के जरिए हो रही है फायदा, और ड्रोन्स के जरिए जनाब हो रहा है सारा कुछ, ड्रग्स तो ये तो वो। मैंने सुना कि ये पता नहीं लोगों की जिंदगियों को अपने क्यों प्यार नहीं है, कहीं पाकिस्तानी तो हैं वो उनको पता है कि मिडिल ईस्ट में जो है वो
ड्रग्स अलाउड नहीं है, लोग अपने पेट में ड्रग्स ले जाते हैं यार, ऑपरेशन करा के अंदर शॉपर रख देते हैं कि ये कौन सा पकड़ा जाना है, वो मशीनें हैं यार, वो पकड़ लेती हैं लोगों को, सर तन से जुदा कर देते हैं, लेकिन सजाए मौत दे देते हैं वो इस चीज़ पर, लेकिन लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या इनका क्या क्या ज़िंदगी है। अब ये सुनने में आया कि नारोवाल का जो है एरिया, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सो कुछ सुनने में आया कि कंट्रोल डिवाइसेस, बैटरीज, ऑटोमेटिक वेपन्स, इन्होंने बड़ा कुछ पकड़ा। इट्स वेरी शेमफुल। अब सवाल ये आता है, ये जुलाई में वाकया हुआ था, लेकिन ये अभी उसको सुनना है कि उसकी इंक्वायरी शुरू हुई है, ठीक है। और जो लोग, दोज पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, क्या उनको इस चीज़ों का पता है? जारी बात है, हल्की फुल्की खबर तो होती है, ये नहीं होता कि किसी को पता ना हो। वे आउट क्या है, क्यों हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या है? क्या हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं करने? क्या हमें मिस्ट्रस्ट को दूर नहीं करना? मुझे लगता है कि ये जो मिस्ट्रस्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जितना इसमें मीडिया किरदार अदा कर चुका हुआ है इस हालात को ख़राब करने में, मिस्ट्रस्ट को पिलाने में, ठीक है, वो आपकी आपको पता ही है, मीडिया ने अपना पूरा किरदार अदा किया, मीडिया ने जो है ना वो अपना पूरा किरदार अदा किया हुआ हालात ख़राब करने में। अगर इतनी सी चीज़ है तो उसको इतना कर दिया। मैं तो व्हाट आई वांट इज कि हमें इन पाकिस्तान एंड इंडिया, वी नीड टू टॉक मोर, वी नीड टू इंगेज मोर। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में कहते हैं, नहीं जी नहीं कोई लोड़ नहीं, इंडिया ने गल कर दी, उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया है। बहुत से लोग इंडिया में कहते हैं, नहीं जी नहीं कोई लोड़ नहीं पाकिस्तान में, वो अब वो कश्मीर में जात कराते हैं, वो ये कराते हैं, वो कराते हैं, हमारी 76 साल से उनसे बनती नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई लोड़ ही नहीं, हम और मुल्क साढ़े जो कि सानों। तो दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।